हमारे मुसलमान बुजुर्गों को, भाइयों को और हमारे मुस्लिम बहनों को मैं सलाम करता हूं और आप तमाम लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी इस पार्लियामेंट के इंतखाबात में तीसरे दर्जे पे, थर्ड प्लेस में है। महबूबनगर में भी बीजेपी का और बीआरएस का टक्कर है, टक्कर चल रहा है दोनों के बीच में, बीजेपी और बीआरएस। कहीं आप लोग गुमराह होके कांग्रेस को डालेंगे तो बराबर बीजेपी जीत जाएगा। क्या महबूबनगर में बीजेपी को जिताना है? रियासत तेलंगाना में आज तक हम सेक्युलर सरकार चलाया, आज तक हम सेक्युलर रहे और जान गया परवाह नहीं, हम सेक्युलर ही रहेंगे। माह रमजान बहुत बड़ा मुकद्दस महीना होता है, मुबारक महीना होता है। हर रमजान में मैंने हमारे गरीब मुसलमान भाई और बहनों के लिए तोहफा भेज रहा था, क्या इस बार रमजान में तोहफा मिला? क्यों नहीं मिला? क्या वजह है? इसके पीछे कौन है? ये क्या इंसाफ है? आप लोग जानिए, हिंदुस्तान में पहली बार, पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हमारे मस्जिद में अजान देने वाले मौज़म साहब को और हमारे तमाम लोगों को नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब को पहली बार हिंदुस्तान में हमने तनख्वाह दिया। किसी ने दिया? कभी देखा हमने तारीख में? किसी के पास डम्मत नहीं था, डरपोक लोग थे। यही कांग्रेस हमारे से पहले 50 साल हुकूमत किया, क्या उन्होंने दिया? गौर कीजिए, उस दिन भी तेलंगाना के लिए मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया। एक साबित हुआ उन दिनों जब तेलंगाना का जद्दोजहद मैं कर रहा था, मैं साफ कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अल्लाह का करम हुआ, तेलंगाना हासिल हुआ। एक बार भी हमारे 10 साल के हुकूमत में कोई दंगा फसाद नहीं था, सभी अमन के साथ थे। किस प्रकार से हमने आपके बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, ये आपके सामने है। किस प्रकार से हमने पैसे अकलियती बेहबूदी के लिए खर्च किया है, ये आपके सामने है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको यकीन दिलवाता हूं, बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है और हमेशा सेक्युलर पार्टी रहेगा। यहां से अगर आप किसी वहम में जाके कांग्रेस को वोट दिए तो यहां बीजेपी एमपी जीत जाएंगे। बीजेपी एमपी जीतना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इस रियासत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि जरूर श्रीनिवास रेड्डी साहब को जिताइए, ये सेक्युलर आदमी है।